आज हम बात करेंगे मॉलिक्यूलर किरलिटी के बारे में, आणविक किरलता के बारे में। और उससे पहले हम बात करेंगे किरल मॉलिक्यूल क्या होता है, किरल सेंटर क्या होता है, किरल के अंदर ऐसा केंद्र जिस पर चार डिफरेंट डिफरेंट ग्रुप या एटम जुड़े हुए हो, किरल कार्बन कहलाता है, और जिसमें कोई भी सममिति तत्व उपस्थित नहीं हो वह किरल मॉलिक्यूल कहलाता है। कोई भी एलिमेंट ऑफ सिमेट्री नहीं तो वह किरल मॉलिक्यूल कहलाता है। और किरल मॉलिक्यूल ऑप्टिकली एक्टिव होते हैं, द्रव्यमान गुणनक होते हैं और ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो करते हैं। तो सिंपल डिफाइन हम कर सकते हैं इसको कि ऐसे मॉलिक्यूल जिसमें कोई भी सममिति तत्व उपस्थित न हो और वो असममित तत्व मॉलिक्यूल अपने दर्पण प्रतिबिंब के साथ अध्यारोपित नहीं हो, तो ऐसे मॉलिक्यूल किरल मॉलिक्यूल कहलाते हैं। जैसे डिफाइन किया गया यहाँ पे कि किसी मॉलिक्यूल में कोई भी सममित तत्व प्रेजेंट नहीं हो तो वह मॉलिक्यूल असममित होता है, और असममित मॉलिक्यूल अपने मिरर इमेज के साथ सुपर इम्पोज नहीं होता है, दर्पण प्रतिबिंब के साथ अध्यारोपित नहीं होता है, ऐसे मॉलिक्यूल किरल मॉलिक्यूल कहलाते हैं। और इस प्रॉपर्टीज को, इस गुण को आणविक किरलता या मॉलिक्यूलर किरलिटी कहते हैं। ऐसे मॉलिक्यूल ऑप्टिकली एक्टिव होते हैं, ऑप्टिकली ध्रुवण गुणक होते हैं, प्रकाश की समावयता शो करते हैं, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो करते हैं। अब यहाँ किरल कार्बन के बारे में, जिसके बारे में हम पहले डिस्कस कर चुके हैं कि ऐसा कार्बन जिससे चारों संयोजकताएं भिन्न भिन्न समूह या एटम के साथ जुड़ी हुई हो वे किरल कार्बन कहलाते हैं, और किरल कार्बन ध्रुवण गुणक होंगे और इन्हें किरल मॉलिक्यूल कहा जाता है। तो यदि किसी मॉलिक्यूल में किरल केंद्र या असममित कार्बन हो किंतु पूरा मॉलिक्यूल असममित नहीं हो, किरल केंद्र तो प्रेजेंट हो लेकिन पूरा मॉलिक्यूल है वो असममित नहीं हो या अकिरल हो, तो उसमें कोई प्रकाश के गुण नहीं होते हैं, यानी वो ऑप्टिकली एक्टिव नहीं होता है, ऑप्टिकली इनएक्टिव हो जाता है। जैसे एक एग्जांपल लें हम मेसोटार्टरिक एसिड का। मेसोटार्टरिक एसिड के अंदर दो किरल सेंटर प्रेजेंट होते हैं, नंबर वन और नंबर टू, यानी यहाँ पे ये भी किरल सेंटर और ये भी चार डिफरेंट बिट जुड़े हुए हैं, ये भी किरल सेंटर, लेकिन दो किरल सेंटर होते हुए भी ये ऑप्टिकली एक्टिव नहीं होता है, ध्रुवण गुणक नहीं होता है, क्योंकि इसमें हॉरिजॉन्टल प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट होती है। तो ये क्वेश्चन के रूप में भी है सिंपली कि मेसोटार्टरिक एसिड में दो किरल केंद्र होते हुए भी ये ध्रुवण अगुणक होता है, ऑप्टिकली इनएक्टिव होता है, क्योंकि मेसोटार्टरिक एसिड में एक सममिति तल उपस्थित होता है जिसके कारण आधे अणु का घूर्णन, इस आधे अणु का घूर्णन रोटेशन शेष आधे अणु के रोटेशन के समान विपरीत दिशा में होने के कारण, समान व विपरीत दिशा में होने के कारण परिणामी जो घूर्णन है, रिजल्टेंट जो रोटेशन है वो कैंसिल हो जाता है। तो इस आधे अणु का घूर्णन शेष आधे अणु घूर्णन के समान विपरीत होने के कारण परिणामी घूर्णन रद्द हो जाता है, कैंसिल हो जाता है, इसलिए मेसोटार्टरिक एसिड ध्रुवण अगुणक होता है, दो किरल सेंटर होते हुए भी ध्रुवण अगुणक होता है, ऑप्टिकली इनएक्टिव होता है। कुछ मॉलिक्यूल ऐसे होते हैं जिनमें असममित केंद्र न होते हुए भी ध्रुवण गुणक होते हैं, एक तो वो कि किरल सेंटर है लेकिन फिर भी ऑप्टिकली इनएक्टिव है, एक ऐसे जिनमें किरल सेंटर नहीं है फिर भी ऑप्टिकली एक्टिव है। तो ऐसे मॉलिक्यूल क्योंकि ये पूर्णतः असममित होते हैं, जैसे बाइफेनिल है, एलिन है, तो बाइफेनिल और एनिल में, एलिन में किरल सेंटर नहीं है फिर भी ये ऑप्टिकली एक्टिव होते हैं, मॉलिक्यूलर क्लैरिटी शो करते हैं। जैसे बाइफेनिल में ऑप्टिकल एक्टिविटी ध्रुवण गुणक का, बाइफेनिल
फेनल, दो फेनल रिंग आपस में जुड़ी हो, लेकिन ऑर्थो पोजिशन में बड़े ग्रुप जुड़े हुए हो। तो अब यदि सॉलिड फॉर्म में है तो एक ही तल में होती है, पिछले फॉर्म में है तो, लेकिन यदि वेपर स्टेट या सॉल्यूशन फॉर्म में है तो दोनों बलों के 2-2 व 6-6 हाइड्रोजन परमाणु, 2-2 व 6-6 हाइड्रोजन परमाणु की त्रिविमीय अंतरक्रिया के कारण, स्टोइकोमेट्रिक इंटरेक्शन के कारण 45 डिग्री कोण पर घूम जाती है। जो वलय है, जो रिंग्स हैं, वो एक दूसरे से 45 डिग्री एंगल पे रोटेट हो जाती है, घूम जाती है। और यदि इनकी ऑर्थो पोजिशन पर बड़े ग्रुप उपस्थित हो तो दोनों वाले एक दूसरे के लंबवत हो जाती है। जरा देखिए, हमने कहा यहाँ पे मान लीजिए दो फिनाइल रिंग है, कोई ग्रुप जुड़ा हुआ नहीं है, तो ये 45 डिग्री एंगल पे रोटेट हो जाती है। और यदि बड़े ग्रुप जुड़े हुए हैं ऑर्थो पोजीशन पे, जैसे यहाँ पे एसिड ग्रुप जुड़ा हुआ है, यहाँ पे नाइट्रो ग्रुप जुड़ा हुआ है, यहाँ एसिड ग्रुप जुड़ा हुआ है, यहाँ नाइट्रो ग्रुप जुड़ा हुआ है, तो बड़े ग्रुप जुड़े हुए हैं तो ये वलय, दोनों वलय एक दूसरे के लंबवत हो जाती है। और लंबवत हो जाती है तो जिससे इनका मुक्त गुणन संभव नहीं है, फ्री रोटेशन रुक जाता है, ब्लॉक हो जाता है, जिसके कारण इसमें दो प्रतिबिंब रूप बन जाते हैं, एक दूसरे के प्रतिबिंब रूप न होके दो प्रतिबिंब रूप बन जाते हैं जो एक दूसरे के अत्यारोपित नहीं होते हैं, जिससे ये ध्रुवण गुणक हो जाते हैं, ऑप्टिकली एक्टिव हो जाते हैं। एक बार फिर से हम देखें इसमें कि बाइफिनाइल, बाइफिनाइल के दो बाइफिनाइल रिंग, दो फिनाइल रिंग आपस जुड़ी हुई है, बाइफिनाइल, यदि इसमें कोई भी ग्रुप जुड़ा हुआ नहीं है ऑर्थो पोजीशन पे, हाइड्रोजन ग्रुप जुड़ा हुआ है, तो ये 45 डिग्री एंगल पे रोटेट हो जाती है, 2-2 और 6-6, 2-2 और 6-6 वाले पे, तो ये 45 डिग्री एंगल पे रोटेट हो जाती है, घूम जाती है। परंतु यदि ऑर्थो पोजीशन में बड़े ग्रुप जुड़े हुए हो, जैसे नाइट्रो है, एसिड है, मेथिल है, तो ग्रुप जुड़े हुए हो, तो ये एक दोनों वलय जो है, रिंग है, वो एक दूसरे के लंबवत हो जाती है, एक दूसरे के लंबवत हो जाती है, जिससे दो प्रतिबिंब रूप बन जाते हैं जो एक दूसरे पर अध्यारोपित नहीं होते, और जो एक दूसरे पर अध्यारोपित नहीं होते हैं वो ऑप्टिकली एक्टिव होते हैं, ध्रुवण गुणक होते हैं। इस प्रकार बायोफिनाइल है वो ऑप्टिकली एक्टिव हो जाती है। एलिन के अंदर बात करें हम, एलिन में ध्रुवण गुणकता यानी ऑप्टिकल एक्टिविटी, तो यहाँ पे एलिन में टर्मिनल कार्बन जो है वो sp2 और मिडिल कार्बन है वो sp हाइब्रिडाइज होता है, बीच वाला कार्बन sp हाइब्रिडाइज होता है, तो बीच वाले कार्बन के यानी sp संकृत कार्बन एटम के दोनों पी कक्षक, pz और py कक्षक एक दूसरे के लंबवत होते हैं। ये जो इसके ऑर्बिटल्स हैं यहाँ पे, इसमें देखें एक दूसरे के लंबवत होते हैं, pz और py कक्षक एक दूसरे के लंबवत होते हैं, जिससे एलिनों में असममिति तल होता है। टर्नल ग्रुप या एटम भिन्न भिन्न होने पर एक दूसरे के दर्पण प्रतिबिंब तो होंगे परंतु एक दूसरे पर अध्यारोपित नहीं होंगे। तो यानी सेंट्रल कार्बन के pz और py और pz कक्षक एक दूसरे के लंबवत होते हैं, जिससे एलिनों में असममित तल होता है। और यदि टर्नल ग्रुप है वो डिफरेंट है तो एक दूसरे के प्रतिबिंब तो होंगे, दर्पण प्रतिबिंब तो, लेकिन सुपर इम्पोज नहीं होंगे, जिससे मॉलिक्यूल में ध्रुवण गुणकता आ जाती है। तो इस प्रकार एलिन और बाइफिनाइल तो ऐसे यौगिक हैं जिनमें किरल सेंटर न होते हुए भी ऑप्टिकल एक्टिव होते हैं, और मेजोटाइट्रिक एसिड ऐसा यौगिक है जिसमें दो किरल सेंटर होते हुए भी वह ऑप्टिकली इनएक्टिव हो जाता है, क्योंकि इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट होती है, जिसके कारण ये ऑप्टिकली इनएक्टिव हो जाता है। और एलिन के अंदर किरल सेंटर नहीं है फिर भी ये ऑप्टिकल एक्टिव है, क्योंकि इनमें ऑर्थो ग्रुप पर बड़े ग्रुप जुड़े होने के कारण, ऑर्थो पोजीशन पर बड़े ग्रुप जुड़े होने के कारण ये दोनों वलय हैं वो एक दूसरे के लंबवत हो जाती है, जिसमें दो प्लेन बन जाते हैं और वो एक दूसरे के पर अध्यारोपित नहीं हो सकती। इसी प्रकार एलिन के अंदर सेंटर कार्बन के pz और पीवाई एक दूसरे के लंबवत होते हैं, जिसे दो तल बन जाते हैं, असममिति तल बन जाता है, जो एक दूसरे के मिरर इमेज तो हो सकते हैं लेकिन सुपर इम्पोज नहीं होते हैं, जिसके कारण ये एक दूसरे के दो प्लेन में बन जाते हैं, दो असममिति तल बन जाते हैं, जिसके कारण इसमें किरण के अंदर नहीं होते हुए ये ऑप्टिकली एक्टिव हो जाते हैं। थैंक यू।